अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह और इलेक्शन को इंचार्ज अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने यूपी की जनता से कई बड़े वादे किए। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र की घोषणा से पहले सीएम योगी ने कहा कि 2017 में हमने जो संकल्प किया वो पूरा किया और अब जो संकल्प करेंगे उसे भी पूरा करेंगे। 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। चेहरा देख करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास, डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगले 5 साल के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में क्या क्या रखा है और इस लोक कल्याण संकल्प पत्र में किसके लिए क्या खास है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 5,000 करोड़ के कृषि सिंचाई योजना, 25,000 करोड़ का सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आलू टमाटर प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान होगा, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान होगा, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना लाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा। कॉलेज जाने वाली मेघावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 25,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 1,00,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली दीपावली पर 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। 60 वर्ष से ऊपर महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने को मिलेगी। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए पास होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र इसलिए है क्योंकि इस संकल्प पत्र में किसान, रोजगार, कानून व्यवस्था, व्यवसाय, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के साथ साथ हर वर्ग पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश को विकसित करने का संकल्प, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने का संकल्प और उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का यह संकल्प है। 2017 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। आर्थिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामती देना हो, गरीब कल्याण के काम हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है और हम आगे पर भी इसी इतिहास को बरकरार करने चाहेंगे। संकल्प पत्र की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने भी इस संकल्प पत्र को सबसे अलग और सबसे बेहतर बताया। बहुत बहुत शानदार संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र से हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे और 24 करोड़ जनता के जीवन से
जुड़ा हुआ हर पक्ष इस योजना के अंदर लाने का काम किया गया। निश्चित तौर से 2017 से 22 ट्रेलर, 2022 से 27 असली फिल्म। कोई लोग घोषणा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं और हमारा संकल्प ही 100% पूरा होता है। ये आपने पिछले संकल्प पत्र में देखा है, पिछले हमने जो कहा वो करके दिखाया, बल्कि जो नहीं भी कहा उसको भी पूरा करके दिखाया। कौन जाएगा कौन आएगा ये 10 मार्च बताएगा। 10 मार्च को बीजेपी पूरे बहुमत से नहीं, पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आएगी। बहरहाल बीजेपी ने अपना लोक कल्याण और लोक लुभावन घोषणा पत्र तो जारी कर दिया है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस घोषणा पत्र से यूपी की जनता किस हद तक सहमत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए